है तो वैसे वीकडे ही, लेकिन फिर भी डबल हेडर है। चेन्नई का मुकाबला लखनऊ से होगा और लखनऊ में होगा। पिछली बार जब लखनऊ आरसीबी से खेली लखनऊ में तो हार गई, लेकिन उसके बाद भी तकरार हुई। हमने देखा नवीन उलहक और विराट कोहली को भिड़ते हुए, हमने देखा गंभीर और विराट कोहली को भिड़ते हुए। खैर, यहां हमें भिड़ना है अपने ओपोनेंट से, ना कि किसी प्लेयर से। कुछ नहीं, हमें तो फैंटेसी वाली कहानी ही गढ़नी है, और कहानी में बड़े सारे ट्विस्ट हैं इस मैच में। कैसे ट्विस्ट है जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा। अगर आप वीडियो बीच में छोड़ के जा रहे हैं, इट्स ऑन योर रिस्क, क्योंकि इस मैच से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताने जाऊंगा जो शायद कोई और ना बता पाए। सबसे पहले बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इंजरी की। यार, केएल राहुल को हो गई है इंजरी, और इंजरी का हाल इतना खराब है कि वो 24 घंटे में तो ठीक होने वाले हैं नहीं। इट मीन्स कि केएल राहुल, मुझे लग रहा है कि 99.99% बाहर बैठेंगे एक बार। अब पिच की बात कर लेते हैं, पिच कैसा होगा। अब यार आपको लग रहा होगा कि पिच के बारे में क्या जानना, लखनऊ में मैच है, स्पिनर्स की चलेगी, लो स्कोरिंग गेम होगा। क्या ऐसा होगा? मुझे नहीं लगता। बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन मैं सही कह रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि यहां पे एक और लो स्कोरिंग गेम लखनऊ हमें देने वाला है। अब क्यों नहीं लगता, ये बड़ी बात है ना भाई, हर बात के पीछे एक रीजन तो होता है। तो क्यों नहीं लगता मुझे कि एक लो स्कोरिंग गेम हमें यहाँ मिलने वाला है? तो मुझे इसलिए लग रहा है कि जब आप चेन्नई और लखनऊ की मैन टू मैन मार्किंग करेंगे। देखिए, लखनऊ पे पिछले 3 होम गेम हारा है और तीनों स्पिन ट्रैक पे हुए। मतलब उनको लग तो रहा है कि स्पिन हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन कहीं ना, और स्पिनर्स उनके विकेट भी ले रहे हैं, लेकिन बाकी टीम सपोर्ट नहीं कर पा रही है। कभी उनके बैटर्स नहीं चल रहे हैं, कभी उनका पेस अटैक सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब यहाँ केएल राहुल की इंजरी होगी तो बैटिंग वैसे ही कमजोर होगी। मैन टू मैन मार्किंग करिए जरा चेन्नई की और लखनऊ की। बैटिंग आप देखिए, चेन्नई की जो इंडियन बैटर्स हैं वो शानदार फॉर्म में है, लखनऊ के जो इंडियन बैटर्स हैं, चाहे दीपक हुड्डा हो, आयुष बदोनी हो, वो अच्छी फॉर्म में नहीं है। एक बात, फिर ओवरसीज ऑप्शंस पे आ जाइए। उनके पास ओवरसीज ऑप्शंस बैटिंग में कौन है? डेवन कौन भी है केवल, और तो नीचे तक कोई नहीं है, मोइन अली है बस, और नहीं है ना कोई भी। और डेवन कौन वो है, स्पिन अच्छी खेल लेते हैं, मोइन अली भी ठीक ठाक काम कर लेते हैं। उधर अगर बात करें तो मार्कस स्टोइनिस, निकोलस पूरन, काइली मेयर्स, तीन हैं स्पिन, तीनों की कमजोरी है। दो बातें। अब तीसरी स्ट्रेंथ पे आ जाते हैं, स्पिन। अगर लखनऊ स्पिन ट्रैक दे देता है तो क्या होगा? देखिए, लखनऊ ने स्पिन ट्रैक दिया, ठीक है, आपके पास रवि बिश्नोई है, अमित मिश्रा है, आपके पास कृष्णप्पा गौतम भी हो सकते हैं। उधर रविंद्र जडेजा है, महेश दीक्षणा है। और चेन्नई ने जब जब स्पिन ट्रैक दिया है चेन्नई में, तब तब रविंद्र जडेजा ने, महेश दीक्षणा ने अच्छा काम किया है। तो स्ट्रेंथ पे बात बराबरी की आ रही है, बैटिंग में आप पीछे जा रहे हैं। पेस बॉलिंग की अगर आप बात करेंगे तो वहां आप थोड़ा एज ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास महिसा पथिराना और आपका मथिसा पथिराना और तुषार देशपांडे के रूप में दो ऑप्शन है। उतने क्रांतिकारी ऑप्शन नहीं, जितनी बॉलिंग पेस आपकी अच्छी हो सकती है। नवीन उलहक आपके पास बढ़िया हो सकते हैं, आपके पास आवेश खान को लाइए या युद्धवीर चरक को लाइए, अच्छा ऑप्शन बन सकता है ना। आपके पास यश ठाकुर है, तो कहीं अगर आप बराबरी कर सकते हैं तो वो पेस डिपार्टमेंट में बराबरी कर सकते हैं। इट मीन्स, मैं ये नहीं कह रहा पेसी विकेट मिलेगी, इट मीन्स कि विकेट वो मिल सकती है जो हमने एक मैच में देखी थी जिसमें मार्क वुड ने 5 विकेट लिए थे और जिसपे एवरेज स्कोर 165 के आसपास बन रहा है। 99% मैं आपको बोल रहा हूं कि इस गेम में आपको पिच वही मिलेगी, आपको ये वाली पिच नहीं मिलने वाली जो स्पिन वाली है। क्योंकि अगर स्पिन वाली हुई तो लखनऊ हार जाएगी, और यहां से लखनऊ हारा तो फिर देख लेना बहुत बुरा हाल हो जाएगा लखनऊ का, क्योंकि आप दूसरे तीसरे पे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि आपका नेट रन रेट थोड़ा बेटर है, पॉइंट्स आपके और आपके 6 नंबर वाले के बराबर है। तो अगर आप यहां से हारे, नेट रन रेट आपका नीचे जाएगा, आपको पाएंगे कि आप तो 6 नंबर पे पहुंचे, कल तक तो 2 पे थे, तो वो वाली कहानी हो सकती है। इसलिए मुझे जो लग रहा है, मुझे पूरा पूरा फील ये है कि पिच बदली जाएगी, और जो दूसरा वाला ऑल्टरनेट ऑप्शन है जिसपे पेसर्स के लिए थोड़ी हेल्प है, जिसमें बैटर्स के लिए थोड़ी हेल्प है, वहां आके आप मैच बना सकते हैं। प्लेइंग 11 की बात करते हैं, प्लेइंग 11 क्या कह रही है। तो प्लेइंग 11 सबसे पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं, लखनऊ की। दो बदलाव मुझे दिखाई दे रहे हैं पिछले मैच में, एक तो केएल राहुल का इंजरी हो गई है, नहीं खेलेंगे मुझे ऐसा लगता है, और आईपीएल के शायद कई गेम उन्हें मिस करने पड़ जाए, कल कहीं नहीं खेलेंगे कौन इनकी जगह। तो इनके पास जो ऑप्शंस बचे हैं उसमें मनन वोरा एक ऑप्शन ऐसे बन रहे हैं, या प्रेरक मनकड़, जिनको आप स्टार्टिंग 11 में जगह दे सकते हैं। मुझे मनन बोरा के चांसेस लग रहे हैं कि काइली मेयर्स के साथ ओपनिंग कर लेंगे, मनन बोरा को ये लेके आएंगे आपका केएल राहुल की जगह।
दूसरा जो मुझे लग रहा है कि या तो आप अमित मिश्रा को बिठाइए या आप कृष्णप्पा गौतम को बिठाइए, उनमें से किसी को बिठा के और आप पेस ऑप्शंस लेके आएंगे, आवेश खान को लाइए, युधवीर चरक को लाइए, अगर आप स्पोर्टिंग विकेट बना रहे हैं। अगर आप स्पिन फ्रेंडली ट्रैक के साथ ही जाना जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि स्पिन टू विन ही हमारा मंत्र है, तो फिर जो पिछले मैच में हुआ वही प्लेइंग 11 रहेगी, लो स्कोरिंग गेम रहेगा, फिर उस हिसाब से टीम बनेगी। लेकिन मुझे कहानी थोड़ी अलग जाती दिख रही है, क्योंकि अभी तक जो मैचेज आप हारे उन्होंने आपकी मेंटेलिटी पर अटैक नहीं किया होगा, लेकिन आरसीबी से जिस तरह से आप हारे हो वो पक्का आपको आपकी प्लानिंग को सोचने पे मजबूर करेगा कि किस तरीके से। और जब सामने चेन्नई जैसी टीम हो जो आपसे दो डिपार्टमेंट में भारी पड़ रही है और एक में आपकी बराबरी कर रही है, तो फिर आप वहां जाएंगे जहां बात बराबरी की हो रही है ना। इसलिए भी मुझे लग रहा है अगर चेन्नई की बात करें तो उनका प्लेइंग 11 सेटल्ड है, वो कोई रिस्क नहीं ले रहे, कोई कुछ नहीं, उनके इम्पैक्ट प्लेयर सेटल्ड हैं, उनकी यूनिट पूरी सेटल्ड है, बैटिंग नंबर उनका सेटल्ड है, सब कुछ बिल्कुल हर मैच में टेम्पलेट सा दिखाई देता है, वही प्लेयर वही टीम वही सब कुछ, तो वैसे ही रहने की संभावना है, कोई बदलाव खास होगा नहीं अनटिल और एंडलेस की कोई बहुत ज्यादा फोर्स चेंज हो, और फोर्स चेंज की गुंजाइश बची नहीं क्योंकि ऑलरेडी इनके कई सारे प्लेयर इंजर्ड हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स पर बात करते हैं, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं इस मैच में, तो सबसे पहले चेन्नई से, तो चेन्नई से जो प्लेयर लग रहे हैं मुझे, डेवन कॉनवे लग रहे हैं, रविंद्र जडेजा लग रहे हैं और ऋतुराज गायकवाड़ लग रहे हैं। ये तीन प्लेयर मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, क्योंकि पिच का जैसे मैंने बताया कि मुझे पूरा पूरा फील आ रहा है कि स्पोर्टिंग, जितना मैं गौतम गंभीर को समझता हूं, जितना क्रिकेट को मैं समझता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि पिच बदली जाएगी, है ना। तो डेवन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़ और रविंद्र जडेजा, ये है ठीक है। प्लस अगर मैं लखनऊ की तरफ देखूं तो मार्कस स्टोइनिस, काइल मेयर्स और नवीन उलख के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा रहेगी ठीक है। उसके बाद चलते हैं ग्रैंड लीग ऑप्शंस की तरफ, तो कृणाल पांड्या, निकोलस पूरन, अजिंक्य रहाणे, आकाश सिंह, यश ठाकुर, ये कुछ ऑप्शन है जो ग्रैंड लीग में आपको अच्छे साबित हो सकते हैं, अच्छी विनिंग करा सकते हैं ठीक है। अब चलते हैं फैंटेसी की तरफ, तो मैं विजन 11 पे फैंटेसी खेलता हूं हेड टू हेड और आपका अप टू 11 मेंबर 25 मेंबर कॉन्टेस्ट। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको अच्छा फैंटेसी प्लेयर बनना है और विनिंग करनी है तो आप भी वहीं खेलिएगा, क्योंकि उसके अलावा कोई ऐप ऐसी नहीं जहां आपको बहुत अच्छी विनिंग मिल जाए ठीक है। लिंक मैंने आपकी सुविधा के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। एक और बार डिपॉजिट ऑफर्स वहां मिलते हैं, फ्री गिवअवेज आपको मिलते हैं और ऐप का कमीशन कम है एंट्री टू विनिंग के कंपैरिजन में। तो कहने का मतलब ये कि यूजर फ्रेंडली ऐप है पूरी तरह से, डिपॉजिट वगैरह का, विड्रॉ वगैरह का कोई इशू नहीं है। अभी जुड़िएगा, आज ही जुड़िएगा और एंजॉय करिएगा अपनी जीत की जर्नी ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं फैंटेसी टीम पे क्या होने जा रही है। तो पहले स्मॉल लीग के हिसाब से हम कॉमन प्लेयर्स देख लेते हैं। विकेट कीपिंग में डिवॉन कॉनवे, निकोलस पूरन, कॉनवे ऑरेंज कैप होल्डर्स की रेस में है, फॉर्म अच्छी है, ओपनिंग करेंगे, गेम कवर सर्टेन है, तो एवरीवन इज गोइंग विद कॉनवे ठीक। ऋतुराज गायकवाड़ सबकी टीम में, शिवम दुबे भी सबकी टीम में मिल रहे हैं क्योंकि अब लगातार अच्छा खेल रहा, थोड़ा अजिंक्य रहाणे के ऊपर एज है। फिर रविंद्र जडेजा और मार्कस स्टोइनिस ऑलराउंडर्स में दो पक्का मिल रहे हैं, रवि बिश्नोई और देशपांडे भी आपको जरूर मिल रहे हैं। तो इस तरीके से सात प्लेयर हैं जो आपके और आपके ओपोनेंट के कॉमन रहने की संभावना है। बदलाव तीन खिलाड़ियों का है, चार का। कौन से वो चार खिलाड़ी हैं जिनसे कहानी बदल सकती है आपकी और आपके ओपोनेंट की, तो देखें सबसे पहले कौन वे हमारे विकेट कीपर रहेंगे और उनको मैं वाइस कैप्टन भी बना रहा हूं कि अगर स्पोर्टिंग विकेट दे दी तो ये एक अच्छा 50 प्लस स्कोर फिर से मार सकते हैं, खासकर अगर चेन्नई पहले बैटिंग करेगा तब तो पक्का। फिर वैसे डे गेम है तो पिच ज्यादा बदलेगी नहीं, ऐसी भी संभावना है। तीन बैटर्स और तीनों में लेके जा रहा हूँ चेन्नई से, क्योंकि यार उधर कोई बैटर ही नहीं है। आयुष बदोनी बहुत अच्छा काम नहीं किया, दीपक हुड्डा कोई बहुत बड़ा नाम नहीं किया, तो फिर किसको लेंगे यार, है ना। तो नॉन परफॉर्मर्स की जगह परफॉर्मर्स को लीजिए बैलेंस करने की जगह, फिर आप इधर जाइए, अजिंक्य रहाणे हैं, शिवम दुबे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ है, तो टॉप फोर आपका चेन्नई से पैक हो गया आप ये मान के चलिए। ऑलराउंडर्स में आप चार जाइए तो यहाँ से टॉप फोर फाइव से आपको तीन ऑप्शन लखनऊ के मिल जाएंगे, क्योंकि काइल मेयर्स हैं, क्योंकि स्टोइनिस हैं और क्योंकि कृणाल पांड्या है। स्टोइनिस मेरे कैप्टन इसीलिए कि स्पोर्टिंग विकेट पे स्टोइनिस को विकेट्स मिलने की, गेंदबाजी करने की ज्यादा संभावना बढ़ेगी, बल्ले पे बॉल अच्छी आएगी तो उनके रन बनाने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ेगी। रविंद्र जडेजा के रूप में एक और ऑलराउंडर ऑप्शन, चार ऑलराउंडर। तीन बॉलर्स तुषार देशपांडे, रवि बिश्नोई थे, नवीन उलख को और ले आया। अब देखिए इसमें एक कहानी और है, एक ट्विस्ट है, नवीन उलख वर्सेस मथीसा पथिराना, ये दो मेरे पीछे ऑप्शन थे कि किसको लूं। मैंने सोचा एक ऑलराउंडर पहले कम कर दूं, लेकिन नहीं, ऑलराउंडर मुझे चाहिए, जडेजा को मैं बाहर नहीं कर सकता। लखनऊ के चार में से अगर किसी को भी बाहर करूंगा तो लखनऊ की बैटिंग से बहुत ज्यादा हमें नहीं मिलेगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। और एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि 170 का स्कोर बनेगा तो टॉप फोर फाइव से रन तो आएंगे,
है ना, ऊपर निकोलस पूरन भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे फिर तीन बॉलिंग के साथ ही मैंने जाना उचित समझा और इसमें पथिराना वर्सेज नवीन उलहत्था। तो मैंने डिसाइड कैसे किया कि मैं नवीन के साथ जाऊंगा, डिसाइड ऐसे किया कि अभी ये मान के चल रहा हूँ कि लखनऊ पहले बॉलिंग करेगी, दोनों में से अगर लखनऊ पहले बॉलिंग करेगी तो 11वां खिलाड़ी नवीन उलहत्था, और अगर कौन चेन्नई पहले बॉलिंग करेगी तो 11वां खिलाड़ी मथीसा पथिराना। इस तरीके से ये आपकी बनेगी फैंटेसी टीम स्मॉल लीग। अब ग्रैंड लीग की तरफ चलते हैं, लेकिन इस फैंटेसी टीम में अगर पिच बदल गई तो बदलाव क्या, उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है, वहां मैं आपको फाइनल अपडेट दूंगा कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी कि ये हो गया वो हो गया मैं आपको संभाल सकूं और आपका कुछ भी लॉस ना हो, इसलिए आपको जुड़ना है टेलीग्राम चैनल पे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपकी सुविधा के लिए डाल दिया है, उस लिंक पे क्लिक करना, ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आएगा, क्लिक करके दबा देना, आप चैनल से जुड़ जाएंगे। इन केस ऐसा नहीं कर पा रहे तो टेलीग्राम ऐप पर जाइए, वहां सर्च करिए क्रिकेटोलॉजी, अगर आपके फोन में टेलीग्राम ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ऐप करके, फिर उसके बाद उसमें सर्च कीजिए क्रिकेटोलॉजी मेरा चैनल का नाम, बहुत सारे चैनल दिखेंगे उसमें से ये वाला जिसका यूजर नेम @MohitCricketologist है सर्च कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, फेक और फ्रॉड चैनल से बचें। ग्रैंड लीग टीम आ जाते हैं, सबसे पहले ग्रैंड लीग टीम नंबर वन देखिए क्या रहने जा रही है। तो देखिए ग्रैंड लीग टीम नंबर वन मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे मैं लेके जा रहा हूं आपका दो विकेट कीपर डेवन कॉनवे भी, निकोलस पूरन भी, क्योंकि अगर स्पोर्टिंग विकेट है तो पूरन के चलने के चांसेस हैं और लखनऊ पूरन स्टोइनिस इन्हीं के भरोसे और काइली मेयर्स के भरोसे ही है, अगर इस टीम में केएल राहुल अब नहीं है तो उनके लिए स्पोर्टिंग विकेट देना पड़ेगा, स्पिन पिच पे आप इनसे उम्मीद नहीं करेंगे, वो भी एक रीजन है, बहुत सारे रीजन है मेरे पास ये बात को कहने के लिए कि यहाँ स्पिन ट्रैक इस मैच में कम से कम आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़ दो बैटर्स लेके जा रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने अजिंक्य रहाणे की जगह वहां ऊपर पूरन डाल दिया, फिर जडेजा स्टोइनिस मेयर्स कृणाल पांड्या को भी हटा दिया, बैटिंग से बहुत क्रांतिकारी काम किया नहीं है, बॉलिंग से अगर कंडीशंस फ्रेंडली नहीं हुई तो हो सकता है कि अंडर बॉल ही रह जाए, ऐसा हुआ है तो फिर से ऐसा हो सकता है, इसलिए स्टोइनिस और मेयर्स की जोड़ी को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया मैंने, आई एम ट्रस्टिंग स्टोइनिस टू मच ऑन दिस मैच, और काइली मेयर्स कोशिश करेंगे केएल राहुल की कमी महसूस ना हो ओपनिंग में, इसलिए जो ऑलराउंडर से स्लॉट खाली हुआ वो पथिराना को लिया, तो जो नवीन उलक और पथिराना का कंफ्यूजन था वो मैंने यहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, रिमूव कर दिया, ऐसे बन गई आपकी ग्रैंड लीग टीम नंबर वन। ग्रैंड लीग टीम नंबर टू की तरफ चलते हैं, यहाँ पे निकोलस पूरन लोन विकेटकीपर की, अगर कॉनवे आउट हो गए तो हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि लॉस में चले जाएं, प्लस कॉनवे बहुत लोगों के कैप्टन भी आएंगे, अब कॉनवे का फेल होना आपके लिए सफलता की गारंटी भी हो सकता है, इसलिए निकोलस पूरन हमारे एकमात्र विकेटकीपर हो गए। दो बैटिंग ऑप्शन जिसमें अजिंक्य रहाणे और आयुष बदोनी, पेस फ्रेंडली ट्रैक पर अजिंक्य भी अच्छा कर सकते हैं इसलिए वाइस कैप्टन है, आयुष बदोनी अगर टॉप थ्री में खिलाए और ज्यादा टेस्टिंग कंडीशन नहीं हुई तो ये भी एक ठीक ठाक 30-40 बना सकते हैं। फिर पांच ऑलराउंडर्स हैं जिसमें जडेजा और मोइन अली हैं, क्योंकि अगर ऊपर आप टॉप ऑर्डर मिस कर रहे हो चेन्नई का तो आपको मोइन तो नीचे चाहिए ही होंगे, प्लस स्टोइनिस काइली मेयर्स कृणाल पांड्या है तो थोड़ा बैटिंग हैवी जा रहा हूँ लखनऊ की तरफ से। तीन बॉलर यहाँ पे फिर से तुषार देशपांडे नवीन के साथ आकाश सिंह और आकाश को कैप्टन बनाया, आप पूछे कारण क्यों, आकाश ने जितने मैच खेले उनमें से एक मैच को छोड़ दूं तो हर मैच में पावर प्ले में विकेट लिया, और लखनऊ का पावर जो टॉप ऑर्डर है अब वो बहुत मतलब आप ये समझिए कि स्टोइनिस और पूरन के अलावा आपको इसमें कुछ दिखेगा नहीं, काइली मेयर्स को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कई मैच हो गए 50+ की पारी खेले हुए है ना, एक अच्छी पारी खेले हुए, तीन मैच तो लगभग हो ही गए, तो अगर वहां से जल्दी विकेट निकाल दिए तो ये आकाश सिंह का मल्टी विकेट स्पेल आ सकता है, मल्टी विकेट स्पेल आएगा तो फिर कैप्टनसी के लिए प्रबल दावेदार हो जाते हैं ग्रैंड लीग में, इसलिए आकाश सिंह कैप्टन। मैच वन जो आज का है इसकी बात हमारी खत्म हो गई है, प्यार देते रहिएगा, लाड़ देते रहिएगा, हम और आप मिलते रहेंगे, ठीक है, आज के दूसरे मैच की वीडियो भी आ रही है उसको भी प्यार जरूर दीजिएगा, फिलहाल इजाजत, टाटा बाय बाय, जय माता दी।